नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठाया। उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को आज के पहले मामले के रूप में लिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हीमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। ये कार्रवाई आज सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। फिलहाल लॉयर्स वाइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा का चूक मामला जो है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, सुबह 10 बजे से सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? बिल्कुल, देखिए, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर याचिका की कॉपी केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को मुहैया करा दिया गया था। और इसके बाद आज 10:30 बजे का वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और जिस तरीके से याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मांग किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है, पंजाब में बाकायदा हाई लेवल कमेटी के जरिए जांच होनी चाहिए और पंजाब सरकार को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई है। इन तमाम चीजों को लेकर अब देखना होगा कि जब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो क्या कुछ निर्देश राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को देता है। ममता, बात की जाए, जिस तरीके से कई खुलासे भी अब इस मामले में हुए हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि एक पत्र लिखा गया था जिसमें तमाम चेतावनी पहले से ही दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उस पत्र को नज़रअंदाज किया गया। साथ ही साथ बात की जाए पंजाब सरकार की, तो चरणजीत सिंह चन्नी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई चूक यहाँ पर नहीं हुई है और पूरी सतर्कता के साथ पूरी तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। लेकिन जब से पत्र सामने आया है, सोनिया गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी से बातचीत की है फ़ोन पर, उनका भी यही कहना है कि कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए क्योंकि एक बड़ी चूक है, तो इसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर पंजाब सरकार आती हुई नजर आ रही है। तो आज जो सुनवाई होगी उसमें सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा उसमें क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सरकार तो पहले से ही बैकफुट पे है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए, जहां तक पंजाब सरकार का सवाल है, आज से अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है या फिर यूं कहें कि जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर रिप्लाई पंजाब सरकार की तरफ से दाखिल की जाएगी और उससे यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार की सफाई क्या है। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के सीएम चन्नी ये कह चुके हैं कि लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया है उस पर उन्हें दुख जरूर है। और बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और कल शाम को सोनिया गांधी ने भी हरीश रावत जो प्रभारी है पंजाब कांग्रेस के, उनके जरिए चन्नी को एक संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी केवल किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से मामला पंजाब में देखने को मिला है, ऐसे में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदारी इसमें चन्नी सरकार को तय करनी चाहिए। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो क्या जवाब दाखिल किया जाता है पंजाब सरकार की तरफ से। चलिए ममता, बनी रही हमारे साथ, आगे भी हम जानकारी लेते रहें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।